नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछु। मु स्वप्ना आरंभ करबा आजर खबर अभियान। 2022 शेष सुधा देश एवं विश्व पई 500 कोटी कोरोना वैक्सीन दर डोज उत्पादन करबा को प्रस्तुत भारत। रोम रे G20 शिखर सम्मेलन रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए सूचना देछंती। यहा सह G20 शिखर सम्मेलन रो प्रथम सेशन को संबोधित करी मोदी भारतर कोवैक्सीन को जरूरीकालीन व्यवहार अनुमति देबारे WHO रो विलंब कथा उठाइथिले। प्रधानमंत्री मोदी G20 को कहिछंती जे कोवैक्सीन को WHO रो अनुमोदन भारतर प्रतिश्रुति पूरण करिबारे बहु दूर जीव, कारण एही टीका विशालशील देश को वर्तमान असमानता ह्रास करिबारे साहाज्य करिबो। G20 विश्वकप रे आज मुहांमुही हेबे भारत न्यूजीलैंड। दुबई रो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रे संध्या 7:30 रे खेला जीव एही मैच। ग्रुप बी रो एही मैच दुई देश पई बेस गुरुत्वपूर्ण। न्यूजीलैंड विपक्ष मैच भारत पई बेस गुरुत्व बहन करथुवा बेले टीम इंडिया जोरदार प्रस्तुत करछि। प्रथम मैच रे पाकिस्तान थारु लज्जाजनक पराजय परे न्यूजीलैंड विपक्ष मैच जीति विश्वकप सेमीफाइनल को जीवा रास्ता उज्जीवित रखबा को चाहुछि भारत। बीजेडी नहले 1,00,000 फाइन, चांदबाली तहसीलदारों दादागिरी। जलेश्वरपुर युव समाजसेवी उमाकांत भड़ंको धमक दे तहसील कार्यालय विताड़ित कले तहसीलदार। जलेश्वरपुर युव समाजसेवी उमाकांत भड़ निज गांव मुख्य रास्ता नहीं उच्च न्यायालय आवेदन करते। हाइकोर्टर आदेश पत्र आसवा पर से तहसील कार्यालय को डाक द्वारा एक नकल पठाइले। आदेशनामार कौन कार्यकारी है पचार तहसीलदार हठात उत्क्षिप्त हो गाड़ी गुलज करने धमक देते। गोटे हाइकोर्ट में अपिल करते गाँ रास्ता काढ़ापे यदि काढ़ापे करी मु 9 तारिख ठू तहसीलदार पाखक बाइक पोस्ट हताहत भी देखी देला मु गत 29 तारिख दिन आसिक कहली सार मु जो अर्डरटा दे मोर कौन है मत भेट कह तुम नाटा कौन कह मन हूँ रमाकांत दल कहला तू कौ दल पिला आगे कह मु दल कथा कहीं पचार ना तू कौ दल कह ना मु तो एग्नेस्ट एक्शन देवी कहीं ने तोर अनावधि बिलो कर ना सर मोर तो मटी पड़ता बोली कि गत 17-10 मोट गोटे 3200 पेनाल्टी काटे कहे बीजेडी जदि हबु तो तो कथा मुझे बुझी ना एवं चल सब स्टाफ ता पोखरी माप ताकू 1,00,000 टा मुझे करी पेनाल्टी यह कही सांगे सांगे महाराणा सर को डाकिले डाक कहे महाराणा बाबू महाराणा उचल से आसे तो कहे नन सेन्स इडियट आउ ये लोकर कत पेनाल्टी करते कहला सर तार जहाँ थी मुझे आगे कहे 1,00,000 टा करूँ या कथा मुझे बुझी सेठ कहीक तुरंत मो गाँ को गले अलग लोक मैंने साक्षी भी अच्छा बजार जा दुनिया गाड़ी उलोज करते मत जोर जबरदस्ती धमकाउं आ मोर भी जीवन प्रति विपद भी अच्छे मत दुनिया धमकाउं या पर तू देखु कौन करी दुनिया धमक चमक देक आबरदस्ती मोदी पेनाल्टी करें कहीकि आज आसिक मुझे चांदबाली आईएस सर कदर ना जहाँ मतलब गाड़ी उलोज करते सीसीटीवी फुटेज भी अच्छे से कमी दौड़ा दौड़ कर मतलब आक्शन नौ सब भी थी फुटेज देखे सारे मुझे आसली बर्तमान आईएस सर को देली एसडीपीओ सार भी थे कहे हाँ आम डकई संध्या भितर कौन ये करते प्रकार अभद्रम प्रकार कर दुनिया मतलब गाड़ी उलोज कर 1971 मसीह पाकिस्तान उपरे भारतर विजय लाभर 50 वर्ष पूर्ति पालन उपलक्षे वीर जवान को प्रदर्शन लगी भुवनेश्वर में पहुंचा स्वर्णिम विजय मशाल आज राजधानी विभिन्न अंचल जात्रारे बाहरी। आज जयदेव बिहार स्थित आरबीएल बैंक ठू शोभा विजय मशाल खंडगिरी पलासपल्ली नवीन निवास फॉरेस्ट पार्क शिशु भवन मौसीमा मंदिर छक होटेल ग्रांड को आसब यहसह संध्यारे रवींद्र मंडप ठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइजबो। खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथ मुख्य रास्ता कपासिया निकटरे मर्मन्तुद दुर्घटना। शौच करिबाकु जाइथिबा बेले अजणा गाड़ी धक्कारे 2 जण महिलांको मृत्यु होइछि। मृतक महिला 2 जण हेले कपासिया गाँवर सावित्री महापात्र ओ आछै प्रधान। भोरु 2 जण गाँ निकटरु किछि दूरकु रास्ता उपरे शौच करिबाकु जाउथबा बेले अघटन घटिछि। तेबे घटनास्थलरे उत्तेजना देखा देछि। रास्ता उपरे शव पड़ रहिथिबा बेले क्षतिपूरण दाबीरे खोर्धा बलांगीर राजपथ अवरोध करिछन्ति स्थानीय लोक। घटनास्थलरे बोलगोट पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। भूलीगले मनीष पणिया शवक मिललानी कांध ट्रली में बुहा शमशान गला महिला शव। सभ्य समाज को लज्जित करबा परी एही घटना घटी पुरी रे। नरेंद्र कोणरु स्वर्गद्वार जाए महिला मृतदेह को ट्रली में नेले परिवार लोक। मृत महिला होउछंती नरेंद्र कोण मंगला साही अंचल मामुनी नायक।
मृतकों परिवार को साही लोके बंधु बांधव एक घरिया करथिबारु सब बोहिबा को मना करथिले। शेषे बाध्य होई महिला मृत शरीर को ट्रली में बोही नहीं परिवार लोके नेले। यहसह प्रशासन अवहेला मध्य सामना को आसी पूरी पौर संस्था तरफ असहाय मृतकों पर स्वर्ग सवारी गाड़ी 2019 लागू करने सीडीएमओ को चिट्ठी लिखा जाता किंतु गाड़ी सब भंगा ददरा होई पड़ी रही। ममिता को न्याय पाई जलुची ओडिशा रास्तारे बीजेपी कांग्रेस और जनता विभिन्न जिले में बंद और एसपी ऑफिस घेराव कैप्टेन को इस्तफा सीबीआई तदंत और ममिता को परिवार को न्याय पाई समस्त जमी एकमत। सेपटे ममिता मेहर हत्या घटना रे परिवार रो अभियोग अनुसार राज्य गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को तदंत परिसर भुक्त और तुरंत गिरफ दाबी आज कैपिटल थाना एफआईआर दब भुवनेश्वर सांगठनिक जिला बीजेपी। करंजिया सहर रे दीर्घ दिन हेब एक मानसिक विकृत व्यक्ति एणे तेने बुलाबुली करी जिए जहां देउथिले खाउथिले हेले थरे पानी पीबा को जाई बाम हातरे आघात लागिथिला। धीरे धीरे तार हात पापुली संपूर्ण पची छिंडीबा आरंभ हेला जंत्रणा रे छटपट होउथबा देखि स्थानीय व्यक्ति संजय साहू करंजिया अंचल लोकंक साहाज्य लोडिथिले हेले केही भी सहायता पाई न आसिबारु करंजिया सहर रे समीर ओडा नामक जणे सामाजिक कर्मी को खबर देथिले। सामाजिक कर्मी संगे संगे असहाय व्यक्ति हाथर पापुली को सफा करी बैंडेज लगाइबा परे दुई जन स्वीपर सहायता रे पूरा शरीर को सफा करी करंजिया उपखंड चिकित्सालय रे भर्ती करथिले। संबलपुर विश्वविद्यालय अधीनस्थ स्वीट महाविद्यालय रे देखा देछि छात्र अशांति। ऑफलाइन परीक्षा को विरोध करी शताधिक छात्र छात्री महाविद्यालय सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करिसेंति। आसंता नवेम्बर मासरे अनुष्ठित होबाकु थिबा बीटेक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा को महाविद्यालय कर्तृपक्ष ऑफलाइन माध्यमरे करबाकु निष्पत्ति लिछेंति। राजधानी शहीद नगर अंचल दुईट रोगग्रस्त कुकुर को उद्धार करने सेवा शुश्रूषा करिछेंति स्पीक फॉर एनिमल चेयरपर्सन कुशल विश्वास। सूचना अनुसार किसी स्थानीय व्यक्ति रोग में पड़ता कुकुर विषय सूचना देवापर कुशल और टीम घटनास्थल में पहुंची दुईट कुकुर को उद्धार करी एवं निज सेल्टर होम रे चिकित्सा करुछन्ति। धीरे धीरे उभय स्वास्थ्य अवस्था सुधुरीवा कुशल सूचना देखते। पुअर हत्याकारी को धरवाई बापार आकुल नवेदन स्थानीय थानू न्याय नपाय राज्य पुलिस महानिर्देशकों को चिट्ठी लिखिले बापा। बिंजारपुर थाना बीतना गांवर कमल लोचन आचार्य पुओ को हर मगुंट न्यायर भिक्षा मृत पुअर हत्याकारी को धरवाई वृद्ध पिता जाजपुर थाना ठू आरंभ कर जिला एसपी कार्यालय द्वारस्थ हो सारी मिलूनी न्याय। खोर्धा जिलार चिलिका ब्लॉक अधीनस्थ बालिया गाँव में घटी अघटन विद्युत शॉर्ट सर्किट जो घटला अग्निकाण्ड चारि पर चारि बखरा चाड़घर जड़ी पड़ संपूर्ण पाउश हो घटनास्थल में दमकल बाहन पहुंची निआं को आयत्त करी तेज अग्निकाण्ड में लक्षाधिक टंकार संपत्ति पाउश हो क्षतिग्रस्त पर सरकारी अनुकंपा जोगाई ग्रामवासी पक्ष दावी कर। कलाहांडी महालिंग सनशाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्षा ममिता मेहर को उचित न्याय देवा और मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को गिरफ्त करने दावी कलाहांडी छात्र कांग्रेस पक्ष एक कैंडल शोभायात्रा अनुषित होती अनेक छात्र छात्री युव कांग्रेस कर्मी सह अनेक वरिष्ठ कर्मकर्ता माने जोग देथिले। गोविंद कुंभार हाजत मृत्यु मामला आंदोलन करुवा लोकं उठाई नेला पुलिस आंदोलनकारी राति अधरे उठाई नेला पुलिस। गतकाल अपराह चारिटा समय राजरास्ता अवरोध कर गोविंद कुंभार पत्नी रुबी कुंभार और पर लोके न्याय दाबी आंदोलन में बसी रही जहां समर्थन जनाई जिला कांग्रेस आंदोलन को ओह्ल बरगढ़ सहर समस्त छकगुड़े टायर जली रास्ता अवरोध कर आंदोलन जारी रखि घटनास्थल उपजिलापा और सदर एसडीपीओ पहुंची आलोचना करते आलोचना विफल होवर राति अधरे आसी पुलिस आंदोलनकारी जोर जबरदस्त उठाई नहीं। पूरी 21 नंबर वार्ड गोपबंधु कॉलोनी रो 8टी परिवार बे विपदरे अछंती। 8टी परिवार को बिना नोटिस रे उच्छेद करुछि प्रशासन
दीर्घ वर्ष धरी एमाने एठारे रही आसछन्ती। एमानको वोट परिचय पत्र मध्य गोपबंधु कॉलोनी उल्लेख रही। तेब एमानको हठात कौनसी कारण नजनाई विस्थापित करिबाकु प्रशासन कहिथवारु स्थानीय आदिवासी माने विक्षोभ प्रकाश करछन्ती। अनुगुल जिला जरपड़ा थाना लक्ष्मीधरपुर तारिणी छक 55 नंबर जातीय राजपथरे दुर्घटना होइछि। ट्रक और परिबा बोझे पिकअप भ्यान मुहांमुही धक्का हेबा फलरे पिकअप चालकों मृत्यु होइछि। पिकअप्रे थिबा हेल्पर गुरुतर आहत होइछंती। स्थानीय लोकों सहायता रे गुरुतर हेल्परों को अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती करा जाइछि। नवरंगपुर जिला पापड़ा हांडी थाना बाबाजी गुड़ा निकटरे सड़क दुर्घटना। एक गच्छ को पिटी हला स्कॉर्पियो। गाड़ी रे थिबा 10 जन यात्री को मध्यरु जणकर मृत्यु घटिछि। अन्य 8 जन यात्री गुरुतर आहत होइछंती। समस्त गुरुतर को पापड़ाहांडी मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। समस्त यात्री हैदराबाद को दादन खटिबा को जाइथिले एवं नवरंगपुर ते झारखंड को फेरुथबा बेले ए दुर्घटना घटिछि। मृतक आशीष कुमार बोली सूचना रहिछि। रायगढ़ जिला मुनिगुड़ा ब्लॉक रो ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक संघ तरफ दुई दफा दावीपत्र प्रदान करा जाइछि। 2016 मसीहा ठारु आज पर्यंत कनिष्ठ शिक्षक मानक दरमा वृद्धि को नहीं सरकारक पाखरे शिक्षक माने निजर दाबी उपस्थापन करि आछंती। किंतु दरमा वृद्धि नहीं बारंबार प्रतिश्रुति दे सरकार विफल होइछंती, जहाकु नहीं आज ब्लॉक उन्नयन अधिकारी जरिया माननीय मुख्यमंत्री को दावीपत्र प्रदान करा जाइछि। गंजाम छत्रपुर कॉलेज छक निकटरे सड़क दुर्घटना। भारसाम्य हराई कलभटर को पिटिला यात्रीवाही बस अल्पके बर्तिले यात्री। ब्रह्मपुर भुवनेश्वर अभिमुखे जाउथबा हरिहर नामक एक यात्रीवाही बस भारसाम्य हराई रास्ता पार्श्वरे थिबा एक कलभट को पिटी होइथिला। खबर पाई पुलिस घटनास्थल रे पहुंची बस्रे थिबा 20 जन यात्री को सुरक्षित भावे उद्धार करिछि। केउ कारण जोगु बस टी दुर्घटनाग्रस्त होइछि ताहार तदंत चलाइछि पुलिस। गंजाम खलिकोट हरिडा मूल घाटी रे सड़क दुर्घटना। घाटी ऊपर तळकु ओल्टिला कदळी बोझै ट्रक। आंध्रप्रदेश रु कटक जाउथबा बेले एही ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होईछि। ड्राइवर को आहत अवस्था रे प्रथमे खलिकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र निया जाइथिला। परे अवस्था गुरुतर हेबारु तांकु ब्रह्मपुर मेडिकल स्थानांतर करा जाइछि। पुलिस घटनास्थल रे पहुंचि तदंत करबा सह ड्राइवर को परिवार को खबर जणाइछि। गंजाम जिलार सदर महकुमा छत्रपुर सहर रे दिनकु दिन बढ़ी चली मांकड़ों उत्पात, जहाँ नहीं चिंतारे सहरवासी। सहर प्रत्येक गली बजार सबुठी मांकड़ों उपद्रव देखा मिली। बुला बिकाली माने निज व्यवसाय ठीक भावे अभियोग। जिलापाल कार्यालय हो किंबा कौनसी सरकारी कार्यालय को कामरे आसुवा व्यक्ति मांकड़ आक्रमण शिकार होती। दिने कि दुई दिन नुहे एमती वर्ष वर्ष धरी मांकड़ मैंने आतंक चल व्यवसाय करने बसता छूँ। व्यवसाय कला बेल माकड़ आसी झांपि नहीं आउ किए भी मनकर आस ग्राहक मैंने भी हाथ भी झांपि नहीं बेसी समस्या होकड़ प्रबल। हाँ प्रत्येक दिन दिन ना दिन बढ़ुच्छे माकड़ आ सदा बेले माकड़ इश्यू शुणा चाहूँ किंतु किसी आपाई किसी एन एस सी पक्ष किसी पदक्षेप किसी नौ ना माकड़ उपद्रव तो सहर में बहुत बढ़ी चलती। आउ यार प्रतिकार वन विभाग को चिठी दुई तीन थर लेखिथिलु मत किछि तापाई कार्यकलाप हेलानी। या द्वारा बहुत लोक माने चलिया बे कष्टकर होउछि एवं लोक माने बहुत हैरान होउछन्ती। व्यवसाय खास करी कि व्यवसाय बंधु माने बहुत हैरान होउछन्ती। वर्तमान सुपरफास्ट समय होइछि एक छोटो ब्रेक रो। ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत। कलाहांडी जिला महालिंग सनसाइन स्कूल अध्यक्षा ममिता मेहर हत्याकांड घटना। कोकसरा ब्लॉक बीजेपी दल पक्षरु मंत्री इस्तफा बहिष्कार। सीबीआई तदंत दाबी रे आमपाणी पुलिस थाना आगे प्रतिवाद करिछि। एथिरे जिला बीजेपी उपसभापति बद्री नारायण पटनायक और जिला संपादक गोदा बरीश पात्र और कोकसरा बीजेपी कर्मकर्ता माने आमपाणी थाना घेराव सह प्रतिवाद करा जाइछि। ग्रामीण जल जोगाण कर्मचारी संघर धारणा। सारा राज्य में एससीएस एवं ग्रामीण जल जोगाण कर्मचारी संघ तरफ राजधानी भुवनेश्वर में 8 दफा दाबी धारणा दी जाएगी। ग्रामीण जल जोगाण कर्मचारी माने खपराखोल स्थित
ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏମ୍ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି ଆମେ 20-21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଫଳ ଆମେ କିଛି ପାଇବାନି। ସରକାରକୁ ଯେତେ ଆମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଲଢ଼ିଲେ ବି ଆମର କିଛି ଦରମା ପତ୍ର ବଢ଼ାବାନି, କିଛି ନି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ ସାର୍, ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସିଏମ୍ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମେକାନିକ୍ ବୋଲିକିରି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କାରିଗର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟିପାରୁନି। ସେମାନେ କହିଲେ ନିଜର କାମଧନ୍ଦା କରିକିରି ପାର୍ଟ ଜବ୍ରେ ତୁମେମାନେ କାମ କର ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନଳକୁଆଁ ବଢ଼ିଗଲା ସାର୍, ଆର୍ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ସରକାର ତୁମର ନି ଶୁଣବା, ସରକାର ମୁଠେ ନି ଶୁଣବାର ସାର୍, ଆମେ ଯେତେ ବି ଯାଉଛୁ ନି ଶୁଣବା। ଭଦ୍ରକ ବାଣିଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା 5 ବଖରା ଘର, 4 ଗୋରୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛି। ଗାଁର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରଖର ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଘରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କାଢ଼ି ନପାରି ନିଆଁର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ 3 ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବାରହା ଆତଙ୍କ, ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର, 4 ଆହତ। ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେରାଣ୍ଡିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତିନିକୁଦି ଗ୍ରାମର ଦୟାନିଧି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆହତମାନେ ଜଟାଧାରୀ ମହାପାତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ ସାହୁ, ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ 85,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ପୋଡ଼ାପଡ଼ା ଛକରୁ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ 85,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାଛକୁଟା ଗ୍ରାମର ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଲୁଟେରା ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ 85,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଶିଶୁ। କାନ୍ଥ କଟାଯାଇ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ତଳବଜାରର 2 କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଶିଶୁ ଫସି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ କାନ୍ଥ କଟାଯାଇ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜାନୁଆରୀ 6 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା। ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2022 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିବ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଜାରି କଲା ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ବିବାହ ବ୍ରତ ଓ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ନଭେମ୍ବର 1 ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ କଟକଣା। ବିବାହ ବ୍ରତଘର ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏବେ 250 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ଗତ 4 ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି 5 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ବୋଲି ଜାରି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ସିଏସ୍ଆର୍ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସିଏସ୍ଆର୍ ଏବଂ ସିଏଙ୍କ ସହିତ କର୍ପୋରେଟ୍ ସିଆର୍ ଟିମ୍ ନିମନ୍ତେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ 2021 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2021 ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ଅବସରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ତା'ର ବି ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଲିଡ଼ର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା 22 କମ୍ପାନୀର CSR ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ମୁଁ HR, IR, CSR ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି CSR ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଥିଲି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, ସେଠି CSR ର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା
ଉପରେ ମୋର ଏକ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା CSR ଫୋରମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇ ସଂଗଠନ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟେଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡେ ୱାନ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି CSR ଉପରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ସେ CSR ଯେଉଁମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମଟା ଗୋଟେ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାଧୁବାଦ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଘରକୁ କିଛିଦିନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପାଠକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଠାଗାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥାଘରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିମାଣର ସିଟ୍ ରହିବା କଥା ସେତେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୌହଦୀ ଭିତରେ ବେଆଇନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ମାପଚୁପ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି। PKDA ଓ SI ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀଠାରୁ 100 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ ଥିବାବେଳେ 300 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଖି ହରାଇଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଯାଜପୁରର ଭୂମିକା ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଭୁଲ ଅପରେସନ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ହରାଇଥିବା ନେଇ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ନେଇ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରଜାପୁର ଗ୍ରାମର ଶରଦ ଜେନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।